हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो है जीके पे बेस्ड, यानी जीएस पे बेस्ड। हम पॉलिटी की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक पे बात करेंगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसके बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पे जो मैं ट्रिक लाई हूँ आज वो आर्टिकल से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि आर्टिकल की कोई ट्रिक दीजिए, तो एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक मिली है मुझे जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये ट्रिक जो है ये यहाँ पे आपको मौलिक अधिकार सारे बता देगी, आपको एक ही बार में सारे मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आते हैं सब लर्न हो जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं। लेकिन अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, जितने भी लोग हैं जो कि IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन या फिर जितने भी कोई भी रिलेटिव हैं, तो उनको बताइए। यहाँ पे आपको आदित्य सर मैथ्स पढ़ाएंगे एंड फिजिक्स केमिस्ट्री की भी बाद में आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है जो कि मैंने लिख ली है, वो संग आया और बस व्यापार किया। तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, इससे आपको सारे मौलिक अधिकार जो हैं आज मैं सारे लर्न करवा दूंगी। तो देख लेते हैं कि कैसे इस ट्रिक से बनाते हैं हम लोग। तो पहली चीज़, तो जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 19 के यानी आर्टिकल 19 के तहत आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले बोस का बो वर्ड ले लेते हैं, बो अक्षर ले लिया हमने। बो है आपका बोलने की आजादी या फिर बोलने की स्वतंत्रता, और ये है आपका आर्टिकल 19A यानी कि अनुच्छेद 19 के काम है। तो यहाँ लाइन से ही है ये पूरे ट्रिक, इससे आपको लर्न हो जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, बो से है बोलने की आज़ादी, आर्टिकल 19A। तो आप अपनी कोई भी बात रख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आपने देखा है आज बोलने की कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है, हर व्यक्ति जो कुछ भी बोलना चाहता है वो अपनी बात रख सकता है। और चाहे मीडिया हो चाहे प्रेस हो, उनको भी यही बोलने की आज़ादी मिली हुई है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बोलने की आज़ादी आपको किस आर्टिकल के तहत मिली हुई है। तो आप लोग लिख सकते हैं आर्टिकल 19A, या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है प्रेस या फिर मीडिया को कौन सी आज़ादी के तहत, मतलब कि उसे कौन सी आज़ादी मिली हुई है बोलने की। तो वो आर्टिकल 19A की जो बोलने की आज़ादी है वो मिली हुई है। तो जितने भी लोग हैं, जितने पर्सन हैं इंडिया के, उन सबको ये आज़ादी है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, ये हो गई बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19A यानी 19 के काम में। और अब देख लेते हैं बो के बाद आएगा सा। ये बोस का बो वर्ड, बो अक्षर लिया, फिर हमने ये सा अक्षर लिया। तो देखिए, इसमें है सभा की आज़ादी। अब सभा की आज़ादी किस तरीके से, ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ये है आपका आर्टिकल 19B में यानी 19 के बा में, अनुच्छेद 19 बा में सभा की आज़ादी। तो सभा की आज़ादी कैसे, आप शांतिपूर्वक ढंग से बिना हथियारों के कोई भी सभा आयोजित कर सकते हैं पूरे के पूरे भारतवर्ष में, इस चीज़ की आपको आज़ादी है। तो एक ये आपकी आज़ादी हो गई, सभा की आज़ादी। अब देखते हैं संघ से क्या वर्ड आया है, संघ का क्या मतलब है। तो देखिए, जो संघ अक्षर आया है इसका मतलब है संघ बनाने की आज़ादी। आप कोई भी संघ बना सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि जैसे कि RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, आप जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है RSS, वो भी एक संघ है। तो हर किसी को आज़ादी है कि वो अगर चाहे तो अपना संघ बना सकता है। तो ये है आपका आर्टिकल, ये सी है आर्टिकल 19 के सी में यानी कि 19 का सा। अब देख लेते हैं, देखिए आया वर्ड आया है, आप इसके आगे ट्रिक में अपने मन से आया और गया भी जोड़ सकते हैं। मैंने सिर्फ आया रख लिया ताकि छोटी सी ट्रिक बने, ज़्यादा लंबी ना हो। तो आया वर्ड जो आया है इसका मतलब है देश में कहीं भी आने अथवा जाने
जाने की आजादी। ये है आपका आर्टिकल 19D। यहाँ मैंने आर्टिकल 19D लिख दिया है। आया मीन्स देश में कहीं भी, देश का कोई भी पार्ट है, आप वहाँ आए या फिर जाएं, इस बात की आपको पूरी की पूरी आजादी मिली हुई है। अब देखिए और वर्ड जो आया है, और वर्ड से कोई भी आपका कनेक्शन नहीं है, उसको भूल जाइए, वो सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए लगाया गया है। देखिए दूसरा वर्ड आया है बस, तो देश के, अभी इसमें एक एक्सेप्शन है वो मैं आपको बता रही हूँ, देश के किसी भी भाग में, किसी भी भाग में बसने या फिर रहने की आज़ादी, बसने या रहने की आज़ादी। लेकिन अपवाद है आपका जम्मू कश्मीर, वहाँ आप अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकते, आप जानते हैं क्यों। तो ये बस वर्ड जो है देश के किसी भी भाग में बसने या रहने की आज़ादी, लेकिन एज अ एक्सेप्शन आपको जम्मू कश्मीर याद रखना है। तो ये है आपका 19E, देश के किसी भी भाग में बसने या फिर रहने की आज़ादी। अब देखिए व्यापार किया, व्यापार किया जो आपका आया है, अब बीच में, इसके बीच में एक आता था संपत्ति का अधिकार, वो आता था आपका 19F में। तो 19F में वो जो आपका संपत्ति का अधिकार आता था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के तहत वो 1978 में वो संपत्ति का अधिकार जो था वो हटा दिया गया। तो पहले 7 आपके मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब सिर्फ 6 बचे हैं, उनमें से ये आपके 5 हो गए। 6वें की बात कर लेते हैं, व्यापार। व्यापार तो मैं इसको ऐसे इन्वर्टेड देख लीजिए, मैं इसको ऐसे ही कर दे रही हूँ, आप इसे समझ लीजिए कि देश के, या तो मैं लिख ही देती हूँ इसको, चलिए, देश के किसी भी भाग में व्यापार करने की आज़ादी, ये आपको मिली हुई, किसी भी भाग में आप व्यापार कर सकते हैं, भाग में व्यापार की आज़ादी। इस ट्रिक से क्या होगा कि आप लोगों को अगर ये चीज़ पता भी है कि कौन कौन से आपके मौलिक आज़ादियाँ हैं, तो ये चीज़ें नहीं याद रहती कि कौन सा आर्टिकल के तहत आता है। तो इस ट्रिक से आपको यहाँ ये भी कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा आर्टिकल है। तो ये 19G, क्योंकि मैंने बताया F जो है वो हट चुका है, इसलिए 19G। तो ये आपके हैं 6 मौलिक अधिकार, बोस संघ आया और बस व्यापार किया से। हमने नॉर्मली इतनी अच्छी ट्रिक से ये पूरा का पूरा लर्न कर लिया, और 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे मेरे ख्याल से आपको ये समझने में। तो अब अगर ये ट्रिक से आपको कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे, इस मौलिक कर्तव्य से जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा आप आराम से कर लोगे। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको जल्दी से जल्दी किसी ना किसी छोटी से छोटी ट्रिक को ढूंढ कर उसको मैं समझा दूँ आपका, जिससे कि पेपर में आपको टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली लर्न करने के बजाय अगर वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ चुकी हैं किसी भी तरीके से, बाई ट्रिक या फिर अगर आपने तैयार कर रखी है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको जल्दी से समझा दूँ, ताकि आपका बिना टाइम वेस्ट हुए आप आराम से वहाँ पर कुछ ना कुछ कर पाएँ। और टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है ये हर किसी को पता है एग्जाम्स में। तो आज की मेरी ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को। आप लोग शेयर नहीं करते, प्लीज़ शेयर किया करिए, जितने भी आपके जानने वाले हैं, जो भी कोई पढ़ता है, जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी कुछ हैं जो पढ़ते हैं, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं मेरी ये वीडियो। और उसके साथ साथ जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिएगा, ज़रूर करिएगा, और लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो बिल्कुल बताइएगा मुझे ये वीडियो कैसी लगी। आगे अगर आप कोई डिमांड करते हैं किसी ट्रिक की, तो मुझे बता दिया करके कमेंट में, अगर हो सकेगा तो मैं जल्दी से उसकी भी वीडियो आपके लिए लाऊंगी। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।